नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सबसे खास कार्यक्रम नमस्कार यात्री में। दोस्तों, ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं समसामयिक विषयों से, साथ ही ढेरों जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, मिलवाते हैं मेहमान से और ले जाते हैं सैर पर भी, और आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, आपको देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। आज की बात में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट परिपक्वता के बारे में। आपको बता दें, इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इंटरनेट के बिना जीवन नहीं संभव है। आज के समय अगर बात करें तो 99% लोग इंटरनेट पर आधारित हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ उसी से जुड़ी हुई है। आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे बीच हैं ऋचा जैन मैम, ACP निशातपुरा से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही में हमारे साथ इंटरनेट एक्सपर्ट, इंटरनेट मैच्योरिटी एक्सपर्ट हैं रघु पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला प्रश्न मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्यों ज़रूरी है इंटरनेट परिपक्वता? देखिए, जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमको फॉलो करने होते हैं, और धीरे धीरे जैसे 18 साल की एज में हम मानते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हम मैच्योर्ड हो जाते हैं कुछ अहम फैसले लेने के लिए। सेम एक इंटरनेट अलग ही दुनिया है जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड भी कहते हैं, वहाँ पे भी मैच्योरिटी आनी चाहिए। जैसे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको हम फॉलो करें, हमें कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा एथिकल बिहेवियर करना है, डूज एंड डोंट्स उस दुनिया के क्या हैं, वहाँ के क्या मैनर्स हैं उसको फॉलो करना, उससे हम इंटरनेट मैच्योरिटी कहते हैं। और उसकी भी एक सर्टेन एज है या सर्टेन टाइम होता है जब वो हमारे अंदर आ पाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। रघु सर, एक बात देखी गई है, इंटरनेट की तो बहुत चर्चा होती है लेकिन इंटरनेट परिपक्वता ये एक ऐसा शब्द है जो कम सुनने में आता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कब से प्रचलन में आया इंटरनेट मैच्योरिटी? जी, इंटरनेट मैच्योरिटी तब से प्रचलन में आया है जब से इंटरनेट हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन गया है जिसको हम घंटों अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं। आज से 10 से 15 साल पहले ये इतना ज़्यादा हमारे जीवन में नहीं उसका हिस्सा बना था, लेकिन जैसे जैसे अब हमारे ये पॉकेट्स में पहुंच गया है तो अब, और ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है जिसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत सारे अवसर हमारे पास आते हैं और लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है, और अगर गलत इस्तेमाल कर लिया जाए तो ख़राब भी हो सकती है। तो इस ताकतवर टूल का सही इस्तेमाल किए जाने का जो मतलब है वही इंटरनेट मैच्योरिटी है, और पिछले 10 साल में ये प्रचलन में आया है। बिल्कुल सर, हम अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो क्या कुछ इनके स्टैंडर्ड्स भी हैं कि इस उम्र से इंटरनेट मैच्योरिटी आ जानी चाहिए या इंटरनेट उपयोग में कर सकते हैं? स्टैंडर्ड्स अभी बन रहे हैं, ये एक नई उभरती हुई दुनिया है, इसमें स्टैंडर्ड्स अभी बहुत ज़्यादा बने नहीं हैं लेकिन बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर सब की बात करें, तो इस पे अकाउंट बनाने की जो न्यूनतम आयु है वो है 13 वर्ष। तो कायदे से 13 वर्ष और उसके आगे इंटरनेट मैच्योरिटी की शिक्षा दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो बच्चे आज 7-8 साल की उम्र से ही अपना इंडिपेंडेंट इस्तेमाल इंटरनेट का करना चालू कर देते हैं, तो उसको नज़र में रखते हुए इसके पहले भी दिए जाए इंटरनेट मैच्योरिटी की शिक्षा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, स्कूलों का क्या रोल रहता है इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट मैच्योरिटी की बात करें, क्योंकि आजकल सारी शिक्षा मोस्टली इंटरनेट के जरिए भी दी जाती है, तो स्कूलों का क्या रोल है? मैम, इंटरनेट मैच्योरिटी की शिक्षा के लिए स्कूलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। अभी भारत में अभी हुआ नहीं है, विदेशों में हुआ है, लेकिन भारत के लिए कहूँ तो होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि महीने में एक बार बच्चों को बता दिया या फिर कभी कभी वर्कशॉप ले ली। इसकी सारी स्किल्स सीखने के लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए इसको एक पूर्णकालिक विषय, फुल टाइम सब्जेक्ट के जैसा स्कूल में ही पढ़ाया जा सकता है, इसलिए स्कूल का बहुत मेजर इसमें रोल रहना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, जैसे स्कूल्स हमें हमारी सेकंड टीचर होती है, फर्स्ट हमारे पेरेंट्स को हम टीचर मानते हैं। बिल्कुल, वैसे जैसे हम बचपन में सारे बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाते थे, बच्चों बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और मैनर्स सिखाते थे,
मतलब आपका तरीका कैसा होना चाहिए। वैसे अब इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़फुल और इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में आ चुका है कि अब हमको उनको साइबर मैनर्स सिखाने की ज़रूरत है, जिसमें स्कूल बहुत बड़ा एक पार्ट बन सकता है कि हमको इंटरनेट पे अपना बिहेवियर कैसा रखना है, साइबर वर्ल्ड में अपना बिहेवियर कैसा रखना है, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको समझा पाएगा। तो इसलिए स्कूल के करिकुलम में ये ऐड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। एक नया शब्द हमें मिला आपसे, साइबर मैनर्स। जैसे वैल्यू एजुकेशन होता था पहले ज़माने में, हम बच्चों को जब शिक्षा देते थे, जब मैनर्स सिखाते थे, उसी तरीके से अगर हमें इंटरनेट के लिए कुछ सिखाना है तो साइबर मैनर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑनलाइन बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं बच्चे। जैसा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा नज़र आते हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, और वो सबसे पहले गूगल या इंटरनेट के ज़रिए नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो अगर जेन्युइन वेबसाइट की बात करें, कई बार देखा गया पॉपअप्स आते रहते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है साइड में गेम का एक पॉपअप आ गया तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स या कैसे प्रोटेक्टेड होकर नॉलेज गेन कर सकते हैं बच्चे, रघु सर प्लीज़ बताइए। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इंटरनेट वैसे तो ज्ञान का समंदर है, लेकिन गलत सूचनाओं का, फेक न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इसका भी उतना ही बड़ा समंदर है। बिल्कुल। तो पहली स्किल जो बच्चों के अंदर होना चाहिए, अगर वो पढ़ाई से इंटरनेट को जोड़ रहे हैं, तो पहली स्किल होना चाहिए कि फ़िल्टर कैसे करें जेन्युइन नॉलेज और जो जंक इन्फॉर्मेशन उसे अलग कैसे करें। तो एक बहुत ही छोटा सा नियम होता है व्हेन, हु, व्हाई का फ़िल्टर लगाने का, यानी कि कब, कौन और क्यों, इसका फ़िल्टर वो हर सूचना पे अगर लगाएं कि ये कब लिखी गई चीज़ है, आउटडेटेड तो नहीं है, किसने लिखा है, वो व्यक्ति एक्सपर्ट है कि नहीं, और क्यों लिखा है, क्या उसका उद्देश्य ज्ञान बांटना है या कोई और कॉमर्शियल उद्देश्य भी हो सकता है, अगर ये वो सोच सकते हैं तो वो नॉलेज निकाल पाएंगे। और ऐसी बहुत सारी जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रस्टेड एनसाइक्लोपीडियाज भी हैं, जहाँ से शुरुआत करके फिर बच्चे आगे इंटरनेट में बढ़ सकते हैं। बट वो लिस्ट आज के कार्यक्रम में अभी देना थोड़ा संभव नहीं होगा समय की कमी की वजह से। बिल्कुल, सोशल मीडिया नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है और लोग कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया से नहीं जुड़ते तो उन्हें लगता है कि हम पिछड़ गए हैं। तो कैसे मैम आपसे जानना चाहेंगे, कैसे लोगों को आप गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोफाइल बनाना तो ज़रूरी ही हो गया है, अगर किसी की सोशल मीडिया पर प्रोफाइल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा समझता है या नेटवर्किंग से नहीं जुड़ा समझता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रोफाइल बनाना कोई गलत बात नहीं है, पर उसमें हम क्या जानकारी दे रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गलत जानकारी देना इज़ अपराध, पर जानकारी नहीं देना तो कोई अपराध है नहीं। तो हमें सोशल मीडिया पे जब भी हम प्रोफाइल बनाते हैं, हमें सबसे पहले अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। हम कौन सी जानकारी दूसरों से साझा करना चाहते हैं और कौन सा नहीं चाहते हैं, उस पर हम एक लिमिट लगा दें। सारी जानकारी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारी बर्थ डेट या सारी फ़ोटोज़ हमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स हैं। और आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी जगह पे एक प्राइवेसी का फीचर होता है, प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। आप वहाँ पे जाइए, आप जो जो जानकारी अपने पर्सनल उस पर डाल रहे हैं वो कौन लोग देख सकते हैं, कौन लोग नहीं देख सकते हैं, इसको हमें रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करने की ज़रूरत है। जैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, हम जिसको ऐड कर रहे हैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में, वही हमारी जानकारियाँ देख सके, अन्य व्यक्ति या पब्लिक का कोई व्यक्ति उस जानकारी को नहीं देख पाए। और अभी फेसबुक ने या इंस्टाग्राम सब ने एक लॉग फीचर का वो किया है, इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें कोई भी आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर या कोई भी डेटा आपका डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें और सोच समझ के, जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति से कभी बात करने से हमारे मम्मी पापा समझाते थे कि भाई अनजान व्यक्ति से बात मत करें, और करते भी हैं तो उनसे हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इंटरनेट भी एक अनजान दुनिया है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अनजान लोग हमें हार्म पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैम आपने बताया कि आजकल जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं वो बनाते वक्त हम क्या कुछ ध्यान में रख सकते हैं, कि जो लॉक फीचर के बारे में आपने बताया उसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ोटोज़ डाउनलोड ना कर पाए। कुछ क्राइम्स भी हो जाते हैं मैम, कई बार सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं आजकल, कहा जाता है सड़क पर और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। तो अगर उसमें क्राइम हो जाए किसी की फ़ोटो या वीडियो, तो वो कैसे संपर्क करे पुलिस से और क्या सहायता मिलती है पुलिस से उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी में एक बात बोलना चाहूँगी कि हमें स्मार्ट इंटरनेट यूज़र बनना चाहिए। स्मार्ट इंटरनेट यूज़र कौन होता है? जो सबसे पहली बात, खुद तो अगर साइबर क्राइम करे ना,
बट इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, अगर सामने वाला हमारे साथ क्राइम करने की कोशिश कर रहा है तो हम अपने आप को उससे बचा सकें, तब आप एक स्मार्ट इंटरनेट यूज़र कहलाएंगे। तो अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी मौका उसे ना दे कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ऑन इंटरनेट को रोक पाना थोड़ा काफ़ी पुलिस वालों के लिए मुश्किल होता है। ये एक मतलब इंटरनेट जो अपने साइबर क्राइम्स होते हैं इसमें सबसे कॉमन हम जो बात बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, आप साइबर क्राइम होने के बाद हम उनको बचा पाएं वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इससे बेटर है कि हम साइबर क्राइम से बच जाएं अपने स्तर पे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर फिर भी अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे आप कॉल करके बता सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारा एक वेबसाइट है, नेशनल वेबसाइट है जिसका है www.cybercrime.gov.in, यहाँ पे भी आप जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप इन दोनों में भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपका जो नियरेस्ट थाना है, सबसे पास का जो थाना है, वहाँ जाके आप साइबर के संबंध में साइबर सेल में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी वो पॉसिबल होगा उतनी तुरंत कार्रवाई, उतनी जल्दी आपके पक्ष में कार्रवाई हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने यही बात बोली कि प्रिवेंशन पे ही करें। अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो इसके संबंध में साक्ष्य एविडेंस देना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई गलत चैट, कोई गलत कमेंट आपके ऊपर हुआ है या कोई अश्लील बातें किसी ने आपके बारे में कहीं, अश्लील फोटो फैलाई है, तो उसका प्रूफ आप ही को देना पड़ेगा। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेके रख लें और वही आप पुलिस को दें, क्योंकि वही एविडेंस है। अगर आपने उसको डर के मारे डिलीट कर दिया तो कोई प्रूफ नहीं बचता है कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ऋचा मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि एविडेंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना एविडेंस के पुलिस भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसका विशेष ध्यान रखें। आप टोल फ्री नंबर्स पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, नंबर है 1930। और साथ ही में वेबसाइट भी मैम ने शेयर करी, www.cybercrime.gov.in। और अगर ये भी आप ना कर पा रहे हैं तो पास के थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं विथ एविडेंस। रघु सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कोरोना काल की बात करें तो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं आसान बना दिया था इंटरनेट ने। पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों की बात करें, आज जो स्कूल में बस्ते का बोझ है उससे भी निजात मिल पाई थी बच्चों को, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कोरोना काल में तो ज़रूर निजात मिल पाई थी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि वो शायद अब बच्चों की लग्जरी अब वो ख़त्म हो चुकी है जी, वापस से अब उनके बस्तों का बोझ उतना हो चुका है। मेरा ये कहना है कि अगर हम बच्चों को इंटरनेट मैच्योरिटी स्किल्स जब ठीक से देते हैं जी, तो वो इंटरनेट का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा अपनी एजुकेशन में उठा सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एक विषय की तीन तीन किताबें उनको हर बार स्कूल लेके जानी पड़े। एक जो अगली क्रांति 21वीं सदी की जो एजुकेशन की क्रांति आएगी उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उसकी तैयारी आज से हम बच्चों को करवाना शुरू करें। और उसमें ये ज़रूर संभव हो जाएगा कि हमें भारी भारी बस्तों के साथ बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें समय के साथ स्मार्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो या हमारा वर्किंग कल्चर हो, उसको हमें और स्मार्ट करने की ज़रूरत होगी जिससे हम ये छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ पाए। मैम, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैंने बात करी अभी कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही थी, तो शिक्षा का स्तर कहाँ तक पहुँचा और बच्चे कितने कंफर्टेबल थे, पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल थे, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं रिपोर्ट्स के हिसाब से जाऊँ तो आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल के बच्चे हैं उनको काफ़ी कुछ कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज कहीं ना कहीं आ रही हैं कि जॉब, जहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो जॉब वाले ये बोल रहे हैं कि भाई जो कोरोना काल में जो पास आउट हुए थे स्कूल्स हों चाहे कॉलेजेस में, तो उनको लेने के लिए कॉलेज थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं, इवन कंपनीज हिचकिचाहट दिखा रही हैं, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी पे अभी हम रिलायबल नहीं है कि उन्होंने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है, उन्होंने पढ़ाई की भी है कि नहीं की है। और दूसरा, जैसे बच्चों का हम बात कर रहे हैं कि भाई बस्ता कम हो रहा है, बोझ कम हो रहा है, बट आई थिंक दिमाग पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, आंखों पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जब भी बुक्स खरीदते हैं तो सबसे अच्छी बुक अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं, पेंसिल खरीदते हैं तो सबसे अच्छी पेंसिल लेकर आते हैं, बट टेक्नोलॉजी में तो हम कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। हम सबसे अच्छा आईपैड या सबसे अच्छा टैबलेट या उस छोटी सी अपने फ़ोन में ही उसको क्लास दिखाना चाह रहे हैं, पर हम ये नहीं सोच रहे कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, उसकी आंखों पे जो पड़ रहा है, उसके स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है और दिमाग पे जो पड़ रहा है। हमें इस
पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी क्लास की है, अच्छी उसकी क्वालिटी की हो, उनकी आंखों पे कम प्रभाव पड़े। प्लस हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड सॉफ्टवेयर हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसको वो ट्रैक कर सकें और जिसको वो फिल्टर कर सकें। उन टेक्नोलॉजीज़, उन ऐप्स, उन वेबसाइट्स पे भी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ट्रैक रखना चाहिए। जैसे ही बच्चे स्कूल से आता था तो हम उसका होमवर्क चेक करते थे कि टीचर ने उसे क्या होमवर्क दिया है और उसकी सारी जो बुक्स हैं सब कुछ चेक करते थे। तो क्या आज हम जाके एक बार उसके मोबाइल में चेक कर रहे हैं कि उसने हिस्ट्री में जाके कि उसने क्या क्या चेक किया है, उसने क्या क्या वेबसाइट्स को एक्सेस किया है, वो कितना उसका स्क्रीन टाइम था, क्या हम ये सब चीज़ें चेक कर रहे थे? तो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इवन पेरेंट्स को भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी एक शिफ्ट करना पड़ेगा कि वो बच्चों को अपनी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ को डेली लाइफ में मॉनिटर करते थे, अब वो उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करें और उसमें अब वो इन्वेस्ट करें, तब ऑनलाइन एजुकेशन आई थिंक सार्थक होगी। बिल्कुल ऋचा मैम, बिल्कुल सही बात है कि जितना कुछ हम बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं हमें टेक्नोलॉजी पे भी उतना ही स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज अगर अच्छा टैब हम दे पाएंगे बच्चे को तो उसकी आँख सुरक्षित रहेगी, उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ सुरक्षित रहेगी। इंटरनेट मैच्योरिटी की यही बात होती है कि पेरेंट्स को भी इंटरनेट के लिए मैच्योर होना काफ़ी ज़रूरी है। आप क्या बोलना चाहेंगे रघु सर इसमें, पेरेंट्स का क्या रोल है, कितना मैच्योर उनको होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए? मैम, एज अ DCIM प्रोफेशनल मैंने ये बहुत देखा है कि आज की जनरेशन के जो बच्चे जो आज टीनेजर हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, खासतौर से डिजिटल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड के इश्यूज को लेकर के उनके बीच में उतना भले ही गैप ना हो, उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के इश्यूज़ को लेकर के उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये उन पेरेंट्स में भी देखा गया है जो खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये कब होता है, क्योंकि बच्चों की जो वर्चुअल वर्ल्ड है और बड़ों की जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो डिफरेंट प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रह बन जाते हैं उसके। उनकी वोकैबलरी अलग होती है, वो अलग तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों से कोशिश करके कनेक्ट हों, कि वो उनकी वर्चुअल वर्ल्ड, उनकी वर्चुअल लाइफ को समझें। क्योंकि अगर वो नहीं कनेक्ट होंगे तो बच्चे और वो एलियंस हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। और फिर पेरेंट्स उनको जो संस्कार दिया जाना चाहिए, जैसे रियल लाइफ में संस्कार की ज़रूरत है, वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी उनको संस्कार देना ज़रूरी है, इंटरनेट मैच्योर बनाना ज़रूरी है, वो पेरेंट्स तब नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक ही मैसेज है पेरेंट्स को कि खुद इंटरनेट मैच्योर बनने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चे की वर्चुअल वर्ल्ड में जाइए, इंटरेस्ट लीजिए और उससे बात कीजिए उसके टर्म्स में। बिल्कुल, तब जाके आप उसके साथ बॉन्डिंग बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रघु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एक गैप है बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, उसे फिल करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, वरना तो बहुत दूर हो जाएंगे बच्चे अपने पेरेंट्स से। और इसी के साथ आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेट मैच्योरिटी के बारे में, हमारे साथ है रघु पांडे जी और ऋचा जैन मैम ACP निषादपुरा से। और सर आपसे जानना चाहेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन की बात अगर करें, ऋचा मैम ने भी बताया कि हायरिंग जब करते हैं तो ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप क्या पोस्टिंग्स करते हैं, तो हायरिंग करने वाला HR की बात करें अगर, तो वो विशेष ध्यान रखता है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है और इंटरनेट मैच्योरिटी कितनी काम आती है यहाँ पर? बिल्कुल मैम, हम ये अपने लिए रूल मान सकते हैं और आज के बच्चे जो आगे करियर बनाना चाहते हैं अपने लिए नियम मान सकते हैं कि उनके पास जो भी अवसर आएगा ज़िंदगी में वो उनकी ऑनलाइन रेपुटेशन से होकर ही आएगा। बिल्कुल। तो अगर करियर की बात करें तो कोई भी कंपनी जब उन्हें जॉब देने के लिए सोचेगी तो सबसे पहले उनका बैकग्राउंड चेक ऑनलाइन करेगी। बिल्कुल। उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अगर वो ब्लॉग लिखते हैं, अगर वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, वो सब वो कंपनी देखना चाहेगी और उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरह का कैंडिडेट उनको चाहिए। इसीलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज से ही अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। वो ये बिल्कुल ना सोचें कि जब इंटरव्यू कॉल आ जाएगा उसके कुछ दिन पहले ही वो अपने नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव पोस्ट हटा देंगे और कुछ पॉजिटिव पोस्ट डाल देंगे। ये इस अच्छी ऑनलाइन रेपुटेशन को बनाने में सालों लग सकते हैं, अच्छे ब्लॉग आर्टिकल्स लिखना, अच्छे वीडियोस डालना। ये मान के चलें, जब भी आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, ये मान के चलें कि मेरे भावी एम्प्लॉयर्स और मेरे टीचर्स मुझे देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा डालेंगे और आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन साल दर साल अच्छी होती रहेगी। बिल्कुल,
इसी उद्देश्य से एक फिल्टर लग जाता है कि हाँ हम ऐसी पोस्टिंग्स ना करें जिससे हमारा आगे जो एम्प्लॉयर है वो हमारी प्रोफाइल देखेगा और हमें शायद हायर ना करे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। DCIM डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम जो होता है स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या स्किल सेट्स सिखाई जाती हैं? जी मैम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये एक पूर्णकालिक सब्जेक्ट है, फुल टाइम सब्जेक्ट है। इसके अंदर 10 स्किल्स सिखाई जाती हैं। शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ वेब 2.0, वेब 2.0 क्या है उसकी समझ। दूसरा, डिजिटल कंटेंट कैसे बनाया जाता है और कैसे इंटरनेट पर शेयर किया जाता है। फिर तीसरा, सोशल नेटवर्किंग मैच्योर तरीके से कैसे की जाए। चौथा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग यानी लिंक्डइन, उसका मैच्योर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिर डिस्कशन फोरम्स पे नॉलेज शेयरिंग और ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाए। इसके बाद ब्लॉग के थ्रू अपनी नॉलेज का प्रदर्शन कैसे किया जाए। फिर गूगल और अन्य सर्च इंजन्स के थ्रू ट्रस्टवर्दी नॉलेज कैसे ली जाए। उसके बाद जो जिसे मैं कहता हूँ आज एक क्रांति हुई है एजुकेशन में, जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ फ्री में दे रही हैं, तो उनको MOOCs बोला जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इनका फ़ायदा अपनी एजुकेशन में कैसे उठाया जाए। फिर सेकेंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन सेफ्टी अपनी कैसे इंश्योर की जाए। लास्ट जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बेल्ट ऑफ इंटरनेट मैच्योरिटी, अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को अपने फायदे के लिए कैसे डिजाइन किया जाए। ये 10 स्किल्स का समावेश इस सब्जेक्ट में होता है और ये पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को स्कूल में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जो 10 विषय आपने बताए, और क्या अन्य देशों में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? बिकॉज इंटरनेट की अगर बात करें हम, तो पूरा विश्व जुड़ा हुआ है इस नेटवर्क से, तो क्या कुछ मायने भी डिसाइडेड हैं और वही सेम स्किल्स वहाँ भी सिखाई जाती हैं? जी मैम, डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन अब एक काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। पिछले 7-8 साल से इसके ऊपर काफ़ी काम वहाँ हो रहा है, और खुशी की बात यह है कि इस साल से भारत ने भी CBSE ने भी इस दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे 1-2 साल के अंदर ये एक फुल टाइम सब्जेक्ट स्कूल्स में, भारत के स्कूल्स में भी बन जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। रिचा मैम, आपसे निवेदन करेंगे कि आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि इंटरनेट मैच्योरिटी क्यों ज़रूरी है और इन्हें क्या कुछ ध्यान में रखते हुए इंटरनेट यूज़ करना चाहिए? देखिए, मैच्योरिटी हम जनरली इस टर्म को बोलते हैं कि जब हम में ये क्षमता आ जाए कि क्या गलत है और क्या सही है, उसमें क्या गलत है और क्या सही है उसमें हम भेदभाव कर सकें। वैसे इंटरनेट मैच्योरिटी में जब हमको ये क्लियर हो जाए कि क्या सही पोस्ट है, क्या गलत पोस्ट है, क्या गलत काम है जो हमें नहीं करने और क्या सही काम है जो हम कर सकते हैं, कैसा बिहेवियर हम कर सकते हैं, तब वो इंटरनेट मैच्योरिटी हम उस एज पे पहुंच जाएंगे। और वो जनरली विद टाइम आती है, वो सब्जेक्टिव है, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, उसको कोई आई डोंट थिंक कोई रेगुलराइज कर पाएगा। दूसरा, जैसे ही हम भारतीयों में जनरली मैंने देखा ऐसी टेंडेंसी होती है कि जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक हेलमेट लगाना स्टार्ट नहीं करते। बिल्कुल, जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक सीट बेल्ट नहीं लगता है, जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक एयर बैग्स नहीं आते हैं। तो हम वेट करते कि हमारे साथ पहले साइबर क्राइम हो, उसके बाद हम सिक्योरिटी फीचर्स को अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करते हैं, जो कि गलत है। मैंने वही बात में फिर से दोहराना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे पहले जो ध्यान वाली बात रखनी चाहिए, दैट इज़ सिक्योरिटी। हम जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो उसके साथ जो डेंजर चीज़ें आती हैं, जो गलत बातें आती हैं, उसको हम ध्यान रखें, उनके प्रति सजग रहें, अनजान लोगों के प्रति सजग रहें, अनजान लोगों से कोशिश करें कि जिसको हम नहीं जानते हैं उनसे हम फ्रेंडशिप ना करें, उनको अगर ऐड भी कर रहे हैं तो उनसे पर्सनल बातें शेयर ना करें। जैसे इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन रेपुटेशन की बात हो, बट जनरली आप देखो कि आप जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलने वाले हो या आप फर्स्ट टाइम जब उससे मिलते हैं, तो सबसे पहले आप जाके फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो है क्या। तो जनरली जैसा आप ऐसा करते तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वही कर रहा होगा। तो इसलिए आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्या पोस्ट करते हैं, उससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अब रॉ होने लगा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जनरली बोला जाता है इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर हम ऑनलाइन अपना अच्छा रखेंगे, सोशल मीडिया प्रोफाइल में अच्छा रखेंगे और सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे, तो आई थिंक हम इंटरनेट की दुनिया में एटलीस्ट सक्सेसफुल हो पाएंगे।
बिल्कुल रिचा मैम, आपने जो भी चीज़ें, जो भी बिंदुओं पर जोर दिया है वो विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या बच्चे हो, या युवा हो। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैम ने बोला, हेलमेट तभी लगाते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें पहले से ही सजग रहना है। रघु सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, आप ये प्रोग्राम भी चलाते हैं, डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप बच्चों से? मैम ने अभी बहुत अच्छी एनालॉजी सड़क सुरक्षा को लेके दी कि किस तरह से हम रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा को समझते हैं, हम उसको देखते हैं। मैं उसी एनालॉजी को आगे ले जाना चाहूँगा। अगर पेरेंट्स ये मानते हैं कि गाड़ी चलाने का लाइसेंस बच्चों के लिए ज़रूरी है ताकि वो सेफ तरीके से गाड़ी चलाएं, तो वो इंटरनेट मैच्योरिटी को भी इंटरनेट चलाने का लाइसेंस माने। बिल्कुल। और वो ये भी माने कि जो वर्चुअल वर्ल्ड के एक्सीडेंट हैं ये भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने रोड एक्सीडेंट हैं। मतलब जान की हानि भी इंटरनेट की दुनिया में होती है, और कई बार हम ऐसे केसेस आए हैं। तो मैं यही पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अब वो एक और उद्देश्य अपना माने कि बड़े होते हुए बच्चे को इंटरनेट चलाने का लाइसेंस भी दिलवाना है, ये ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी में ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल। तो जागरूकता से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपसे कि जागरूक करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सोशल वर्कर्स या सरकार, क्या कुछ कर रहे हैं? जी, हम लोग तो खैर, मेरा एक स्टार्टअप है iMature.in, और हम बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी की जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कैंपेन है एवरी चाइल्ड इंटरनेट मैच्योर, उसके थ्रू भी जा रहे हैं, और हम हर पेरेंट को बता रहे हैं कि भाई आपका सबसे बड़ी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपके बच्चे को इंटरनेट मैच्योर बनाना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी, ऋचा मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इंटरनेट मैच्योरिटी के बारे में, क्यों ज़रूरी है इंटरनेट पर सतर्क रहना, ये इस पर आपने विशेष जोर दिया, पेरेंट्स का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने बहुत अच्छे से बताया।